जी मैम, 22 मई को एक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर एक विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 23 को हमें वो रिपोर्ट हुआ थ्रू ट्रिम्स, और उस पर केस रजिस्टर्ड है और अक्यूज्ड मिस्टर मिली तचक को उसमें अरेस्ट किया गया है। अभी पुलिस कस्टडी में उनसे इंटरोगेशन चल रहा है। फैमिलीज के बीच में मैम अगर कुछ इंटरेक्शन होगा सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट हमारे पास अभी अक्यूज्ड है उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। और जो विक्टिम है वो भी अभी ओजू मिशन में है, शी इज अंडर केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उनके थ्रू भी ऐसा कुछ नहीं आया। फैमिलीज के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो वी नॉट कंट्रोमंडन करना फॉल्ट हुआ है। अभी वी आर वेटिंग कि विक्टिम का 164 स्टेटमेंट होने वाला है मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे ही वो हो जाएगा हमें और क्लैरिटी मिलेगी। एब्सोल्युटली वो मैम हमारा अक्यूज्ड है, उसको कन्विक्शन होना है, एक्विटल होना है, वो कोर्ट के ऊपर है, बट हमारे लिए वो बिल्कुल अक्यूज्ड है। सेक्सुअल असॉल्ट की खबर हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको कंफर्म करती है। 164 स्टेटमेंट है, जैसे विक्टिम का होगा वो और हमें क्लैरिटी देगा, बट हमारे लिए मैम वो अक्यूज्ड है, उसको अक्यूज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे 164 स्टेटमेंट आएगा उसके बाद फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा, वेरी सून वी विल बी चार्ज शीटिंग दिस केस। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे कि जो विक्टिम ने अपना जो भी अपना प्रॉब्लम बताया, जिस तरह से उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, क्या उससे पहले उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था? ये पूछा गया मैम विक्टिम से, लेकिन विक्टिम ने ऐसी कोई बात रिवील नहीं की। वो फर्स्ट टाइम जी, और लाइक वो उसको ओपन बोल रहे तो उसका परिवार ये सच में है कि नहीं, वो भी हम जानना चाहेंगे। मैम उनकी फैमिली में कुछ लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ है, उनके एक गार्जियन है, उनसे हम टच में हैं, तो इतना ही अभी आपको बता सकता हूं। तो अभी तक आप मान सकते हैं कि जब तक जो अक्यूज की तरफ से एंड देन विक्टिम की तरफ से आप लोग जो 164 स्टेटमेंट का वेटिंग के बाद ही आप लोग का जी मैम उसके बाद ही डिपेंडिंग अपॉन दैट एंड आवर इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकल रिपोर्ट विल बी प्रोसीडिंग विद द केस। मैम उनके बीच में कुछ एक अरेंजमेंट था जिसकी वजह से वो वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर थे।